सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की खूबसूरती पर ये दागदार दृश्य किसी के भी दिमाग में हमेशा के लिए बदसूरती की एक छाप छोड़ देंगे। अर्थ प्रकाश के कैमरे में कैद बरसाती मौसम में सड़कों पर कीचड़ के ये दृश्य गवाही दे रहे हैं कि बीमारियों की दस्तक का शोर मरीजों से भरे अस्पतालों में जल्द सुनाई देगा। देखें अर्थ प्रकाश की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, बरसात का मौसम है, चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, शायद भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में इसका शुमार होता है। लेकिन चंडीगढ़ के बीच बसी हुई कॉलोनियों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हालात हैं वो मेरे सामने हैं। ये देखिए, गंदगी, पानी और उसमें पल रहे मच्छर, और अभी तो बरसात जो है वो पूरी तरह से आई भी नहीं है। और ये मच्छर जो है ये मलेरिया का, ये डायरिया का और ये बहुत सारी बीमारियाँ, डेंगू इनका कारण बनता है। और देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा करीब से दिखाया जाए। देखिए, जो प्रशासन है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। कहीं कोई दवाई नहीं डाली गई, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे इस पानी में पनप रहे मच्छरों से, लार्वा से कुछ छुटकारा मिल सके। काउंसलर कभी यहाँ नहीं मिलते, नया मैडम कभी आई है उनके घर भी जाकर के वापस होकर के आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ इतने पानी लगता है, सारे क्वार्टरों में पानी घुस जाता है। ये देखिए क्या बना हुआ है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं होती है। चाहे नया मैडम हो, चाहे यहाँ के मेयर हो, चाहे कोई भी हो, इधर कोई देख करके राजी नहीं है। ठीक है जी। ये देखिए कूड़ा, इसमें क्या हाल है, ये यहाँ जिंदगी कैसे लोग जी रहे हैं। तो इससे तो बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। बिल्कुल बीमारी है, बीमारी है, ये बीमारी होगी, बीमारी ही होगी। पहले तो अभी जाता था मच्छर वाला दवाई छिड़कने लिया, वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते, अब वो भी नहीं आते हैं। कोई कोई कुछ नहीं आता जी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। सब ऐसे ही है साले, सब ऐसे है, दाल वगैरह सब ऐसे ही है, कोई वो नहीं है, सुनवाई ही नहीं है किसी की। अब ये कोई भी क्वार्टर नहीं है कि यहाँ पानी न जाता हो, सारे क्वार्टर में पानी इतने। अच्छा जी, हाँ, सारे कमरे में कम से कम 1550 से लेकर के 1800 नंबर तक ये पानी है, सारे सारा के सारा वहाँ पे बंद है। अच्छा, पानी सारा यहीं ब्लॉक हो जाता है सर। तो इससे जो सर बहुत सारी बीमारियाँ होती होंगी, आप देख ही रहे हैं, आप ऊपर से देख लो, ये गंदगी आपके सामने ही है, ये देखो, ये कोई है नहीं। साफ सफाई से ठीक है, लेकिन रोड पर पानी जो इकट्ठा होते हैं ना, इस करके थोड़ा सा मच्छर वच्छर इकट्ठा हो जाते हैं, इस करके थोड़ा सा सरकार को थोड़ा साफ सफाई होती रहेगी ना तो छिड़काव होता रहे, ठीक हो जाएगा सब। आजकल डेंगू बुखार जो है सर, मलेरिया जब फैल रहा है, इस करके जो है थोड़ा साफ सफाई ध्यान रखा जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे छिड़काव वगैरह किया जाना चाहिए ताकि मच्छर ना हो, बीमारियाँ ना हो, लोग सुरक्षित रहे। क्या सर, ये थोड़ा यहाँ पे हमारे एरिया में पानी भरा है, थोड़ा साफ सफाई वाले ज्यादा आते हैं वैसे तो, थोड़ा मेरे वाले को देखिए। अच्छा, मतलब यहाँ जैसे खड़ा होता है पानी, मच्छर वच्छर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप लोगों ने कभी इसके लिए कंप्लेंट करी है किसी को? कंप्लेंट एक बड़ी करी थी सर हमने, तो कुछ इसका फायदा नहीं हुआ। कुछ बीच में आते हैं बुलडोजर वाले, बस हल्की सी मिट्टी छाड़े कर जाते हैं, फिर वही डेरे वाले इकट्ठा है कूड़ा करकर, मेन तो कूड़ा बंद करते हैं यहाँ का लोगों ने। यहाँ पे ये जो पानी है, ये गंदा पानी यहाँ आता है, इसके निकासी के लिए निकासी की जगह नहीं है जी। कई बार बोल दिया है, डिपार्टमेंट को भी बोला गया है, जो वाटर सप्लाई के अंदर पानी चलता है वहाँ पे जो पानी पीने का पानी है, वहाँ की टंकी पानी उठाता है, टंकी के अंदर जो पानी उस पानी में क्या होगा, बंदी पीछे बीमार होंगे। अब ये देखिए, हमारे यहाँ पे इतनी मक्खियाँ हैं ना, वहाँ मच्छर है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं। अभी मोहाली में आपको पता, डायरिया के, डेंगू के केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं ना, तो मोहाली बिल्कुल साथ में लगता है, चंडीगढ़ में भी केसेस आए हैं, तो इसके लिए आप हेल्थ डिपार्टमेंट को कभी आपने को नहीं बताया? मैं सर, हमने सबको बोल दिया, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, नेहा जी के बस कई बार जा चुके होंगे। अच्छा, अपनी इसको लेके कि हाँ भी दिक्कत होगी, बस वो कहते हैं कोई भी करा देंगे जी, करा देंगे, कुछ नहीं होगा कार्रवाई इसके अलावा। ठीक है जी, बस पर ये की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जब बरसात आती है सबके घरों में पानी घुस जाता है, इसकी निकासी कहीं नहीं आएगी,
बस हम तो ये चाहते भी निकासी बंजे पानी निकलने की हमारा कोई सूरत हो जाएगी। सबको बताया हाँ जी बताया, वीडियो भी बनाई हमने यहाँ की और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वीडियो डिलीट कर दो, उससे कोई फायदा नहीं है, ये है वो आते हैं देख के चले जाते हैं, काम कोई नहीं करते। मतलब यहाँ कोई दवाई डालने कोई कभी कोई नहीं आता जी, दवाई डालने तो आज तक नहीं। देखो ना इधर की हालत देखो।